एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटेजी फर्स्टली इसमें आता है इंडिविजुअल ब्रांड इंडिविजुअल ब्रांड क्या होती है जब आप अपने हर प्रोडक्ट के लिए ना अलग अलग ब्रांड नेम यूज कर रहे हो ठीक है आपके जितने भी प्रोडक्ट है आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड का नेम यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांड है इट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट नेम यानी यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम से बेच रहे हो ठीक है आप अपने जो जितने भी प्रोडक्ट है उसको अलग अलग नाम से बेच रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांड है नेक्स्ट आता है फैमिली ब्रांड फैमिली ब्रांड में क्या होता है कि यानी यहाँ पर क्या होता है आपके जितने भी प्रोडक्ट है ना ठीक है उसको आप एक ही ब्रांड नेम से भेजते हैं उसका दूसरा नाम होता है अम्ब्रेला ब्रांड ठीक है इसको अम्ब्रेला ब्रांड के नाम से भी जानते हैं यहां पर क्या होता है फर्म क्या करती है जितने भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना कंपनी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको एक ही ब्रांड नेम से बेचती है जैसे मान लो सैमसंग है ठीक है तो सैमसंग के अंदर जो रेफ्रिजरेटर आ गया या एसी आ गया जितने भी उसके जो प्रोडक्ट है ना वो अपने एक ही ब्रांड नेम से बेच रहे हैं सैमसंग के नाम से ही बेच रहे हैं ठीक है उसका जो ब्रांड नेम क्या है सैमसंग है ठीक है तो उसी के नाम से ही वो बेच रहे हैं ठीक है थीके? तो इसको हम क्या बोलते हैं फैमिली ब्रांड नेक्स्ट आता है नेशनल ब्रांड है या मैन्यूफेक्चर ब्रांड है ये क्या होती है यानी यहां पर क्या होता है जो मैन्यूफेक्चरर है ना जिसने प्रोडक्ट को बनाया है तो वो जो ब्रांड नेम देता है ना जितने भी रिटेलर है सभी उसी ब्रांड नेम को यूज करते हैं यहां पर क्या होता है कि जो मैन्युफेक्चरर ने जिसने प्रोडक्ट को बनाया है तो वो जो ब्रांड नेम देते हैं तो जितने भी रिटेलर है सभी उसी उसी ब्रांड नेम को यूज करते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड है उसके बाद आते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड प्राइवेट लेबल ब्रांड क्या होता है कि यानी पर क्या होता है जो प्रोडक्ट है ना उसको रिटेलर है ना अपनी अपनी ब्रांड नेम से बेचते हैं ठीक तो है तो ब्रांड एड सर्टेन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ओन एंड सेल यानी जहां पर क्या है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो रिटेलर्स है उसको अपनी अपनी ब्रांड नेम से अपने उस प्रोडक्ट को है वो सेल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट लेबल ब्रांड नेक्स्ट आता है जेनडिक ब्रांड जेनरिक ब्रांड क्या होती है यानी यहां पर क्या जो प्रोडक्ट है ना उसको कोई आप ब्रांड नेम दे ही नहीं रहे और अपने प्रोडक्ट को एक कम से कम प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी इन विच प्रोडक्ट आर नोट ब्रांडेड यानी जहां पर प्रोडक्ट है उसकी आप कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं एंड आर सोल्ड एट लोएस्ट प्राइस पॉसिबल और उसको आप कम से कम प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं यानी यहां पर क्या है ब्रांडिंग है ही नहीं ठीक है ब्रांडिंग अब ब्रांड नेम है वो दे ही नहीं रहे स्ट्रेटेजी टू मीट कस्टमर डिमांड फॉर द लोएस्ट प्राइज ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ठीक है तो ये क्या जेनेरिक ब्रांडिंग जहां पर हम ब्रांड नेम देते ही नहीं है उसके बाद आता है लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है कि एक फर्म क्या करते दूसरी फर्म को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपने ब्रांड नेम को यूज करने का राइट देती है अपनी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल करने का राइट देती है क्या होता है एन एग्रीमेंट इन विच वन फर्म सेलोदर फर्म द राइट टू यूज ए ब्रांड नेम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्म दूसरी फर्म को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपने जो ब्रांड है उस, ने, उस ब्रांड नेम को यूज करने का जो है वो राइट देती है लाइसेंसिंग के अंदर एक सर, मतलब फीस लेती है उसके बदले में ठीक है तो एन एग्रीमेंट इन विच वन फॉर्म सेल फॉर्म राइट टू यूज ए ब्रांड नेम फॉर ए स्पेसिफिक ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है लाइसेंसिंग ये भी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ही आता है फिर आता है को ब्रांडिंग जो पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन आप देखोगे तो तो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू ब्रांड वर्क टुगेदर टू मार्केट ए न्यू प्रोडक्ट यानी जहां पर आप एक प्रोडक्ट के लिए ना एक से ज्यादा ब्रांड का नेम यूज कर रहे हो ठीक है एक प्रोडक्ट है उसके लिए आप एक से ज्यादा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं को ब्रांडिंग ठीक है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू ब्रांड वर्क टूगेदर टू मार्केट ए न्यू प्रोडक्ट जहां पर आप एक प्रोडक्ट के लिए एक या एक से ज्यादा ब्रांड का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं हम को ब्रांडिंग उसके बाद आता है ब्रांड मैट्रिक्स ब्रांड मैट्रिक्स क्या होता है द केक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ब्रांड दैट वी मेजर टू डेटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रांड है यानी जो ब्रांड्स है ना उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि भाई उस ब्रांड की जो स्ट्रेंथ क्या है ठीक है मतलब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ब्रांड वी मेजर टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रांड यानी उस ब्रांड के अंदर क्या है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि उस ब्रांड के अंदर क्या स्ट्रेंथ है ठीक है तो ये थे हमारी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है मैंने मार्केटिंग के वही टॉपिक करवा रही हूँ जो हमेशा जिसमें से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं तो आप देख सकते हो थैंक यू एंड अगर आपको